म्यूज़िक सीखना चाहते हैं, यानी कि आपको म्यूज़िक का शौक़ है इसीलिए आपने इंस्ट्रूमेंट का ट्राई किया है, तो इस हिसाब से अगर आपको पकड़ लिया जाए तो आप सबसे पहले एक फ्लूट, नॉर्मल फ्लूट लीजिए या आप फ्लूट बना लीजिए। तो बाकी बातों में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज कुछ 5 क्वेश्चन जो आपने पूछा है उन क्वेश्चन के जवाब और देने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू लर्न फ्लूट एट होम। सबसे अच्छा प्रोसेस क्या है घर में खुद ब खुद फ्लूट सीखने के लिए, तो इसका जवाब हम देंगे आज। हाउ शुड आई लर्न टू प्ले बांसुरी फ्लुएंटली, कैसे हम बांसुरी को अच्छे से बजा सकते हैं उसके बारे में हमें इस वीडियो में हम बताएंगे। हाउ डू आई लर्न फ्लूट फ्रॉम ऑनलाइन, तो ये माध्यम जो है यूट्यूब गूगल से आप कर सकते हैं, फिर भी इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। हाउ कैन आई लर्न द इंडियन फ्लूट विदाउट एनी आउटसाइडर हेल्प, ठीक है, किसी के मदद के बिना खुद ब खुद आप घर में बैठे फ्लूट कैसे सीख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है मिस्टर विवेक सोम जी ने, वहाँ पर एड्रेस कुछ नहीं मिला मुझे, तो ठीक है। तो ये जो 5 क्वेश्चन आपने इम्पोर्टेंट टॉप क्वेश्चन आपने पूछे हैं, इनमें से और एक क्वेश्चन है जो इसके बाहर है, इज देयर एनी गुड ट्यूटोरियल फैकल्टी मटेरियल्स फॉर लर्निंग फ्लूट, माने ऑनलाइन की दुनिया में क्या अच्छा कोई ट्यूटोरियल फैकल्टी मेंटर है, तो इसके बारे में भी थोड़ा हम चर्चा करेंगे। इससे आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पर तो वो सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इन सारे के ऊपर ही आज वीडियो है। और जैसे कि आप भी ये सर्च कर रहे थे, तो इस हिसाब से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। सबसे पहले मैं 5 नंबर क्वेश्चन का जवाब दूंगा, जैसे कि हाउ कैन आई लर्न द फ्लूट, बेम्बू फ्लूट हो सकता है, इंडियन फ्लूट हो सकता है, कर्नाटिक फ्लूट हो सकते हैं, विदाउट एनी आउटसाइड हेल्प, यानी कि किसी की मदद के बिना आप फ्लूट कैसे सीख सकते हैं। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले मैंने भी ये मेरा राय भी रहा कि आपको तो फ्लूट खुद ही सीखना है, इसके लिए आपको कहीं एक गुरु की ज़रूरत होता है, तो उसके लिए आप YouTube का मदद से ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड पर्सन हैं जो कि कोशिश करते हैं अपना फ्लूट बजाना सिखाने के लिए, आपको सिर्फ जो है एक लय के द्वारा वो सीखना पड़ेगा, नोट्स जो है कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर भी अगर आप नहीं चाहते हो खुद ब खुद सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है और ये प्रोसेस भी आपके लिए है। देखिए मैं अगर ऐसे मान लूँ कि मैं फ्लूट के बारे में कुछ नहीं जानता, ठीक है, बिल्कुल नहीं, दो साल का एक्सपीरियंस बिल्कुल ज़ीरो हो गया, तो ये जो है इंस्ट्रूमेंट इसको फ्लूट कहता है और मैं थोड़ा गूगल लेता हूँ, तो इसको हम बाज़ार से खरीद के लाए हैं, तो आज लाने के बाद तो मैंने सबसे पहला जो काम करेंगे तो ये तो हमें ऐसे ही पता चल जाता है कि जो फ्लूट यहाँ से बजता है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं फूक दूँगा, तो ये फूक हम जब देंगे तो कुछ ऐसे देंगे, ठीक है, तो मैं फूकने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसे करके बहुत सारे टाइम निकल जाता है, तो अभी जो है आपको पेशेंस की ज़रूरत है, ठीक है, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो यहाँ पे जो है आपको कैसा ही पकड़ के ज़रूरत है, तो इसके लिए सबसे पहले आपने होल्ड कीजिए इस फ्लूट को, ये जो पोर्शन है इसको आप अलग ही रखने दीजिए, सिर्फ यहाँ से आपका फ्लूट का देखिए दो उंगलियों से ऐसे करके आप पकड़ें, ठीक है, और अपने ये जो लिप्स है, देखिए लिप पोजीशन देखिए, ये जो लिप का पोजीशन है इसके नीचे ठीक ये जो है इसको रखिए और फूकने की कोशिश कीजिए। एक बार नहीं होगा, दो बार नहीं होगा, तीन बार नहीं होगा, आप अपना थोड़ा आगे पीछे करके ऊपर नीचे करके जितना हो सके अपर लिप के ये जो हिस्सा है ये यहाँ पे जो हिस्सा है ये
ठीक है, इसके ऊपर इसको टिका के, मैंने ये पोर्शन को आपको टिकाना है, ठीक है, और फिर जो लो करने से हो जाएगा। तो पहले 10 बार नहीं होगा, 20 बार नहीं होगा, 30 बार नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। तो जब आपके फ्लूट में जब ये हो, ब्लोइंग प्रोसेस आप जब कंप्लीट कर चुके होंगे, तब आप जो ट्राई करेंगे कि आपका हाथ बिठाने के लिए, सबसे पहले जो आपको करना है, आप कुछ भी नहीं जानते इसके बारे में, तो सबसे पहले अपने सारे उंगलियों पर ऐसे इसके ऊपर टिकाइए अच्छे से, कोई भी होल देखिए गैप नहीं है मेरे हाथ के बीच। पहले जो है करना होगा ये एक, ठीक है, फिर दो, फिर तीन, अच्छे से एक, चार, पाँच, ये है अभी। फिर बाकी के ये कौन सा स्केल है, क्या है, ये सारे बाद में जानेंगे, अभी इसके ऊपर सुनना चाहिए। तो देखिए ऐसा साउंड पहले पहले आएगा, ठीक है, क्योंकि आपके हाथ के हिसाब से ये ठीक नहीं बैठ रहा है। तो इसको भी अगर आप सुधारना चाहते हैं तो उसका भी उपाय है। तो पहले आप जो हैं इसके ऊपर ब्लोइंग कर चुके हैं, अभी इसके ऊपर जितना हो सके ये पीछे की तरफ लोग लेते हैं, इसको सामने की तरफ ले, देखिए ये है एक पोजीशन। अभी देखिए मैं दिखा रहा हूँ ये पोजीशन, ऐसा पोजीशन, ऐसा पोजीशन। तो आपको पोजीशन ठीक करना है, और देखिएगा अपना शोल्डर के ठीक ऊपर रहें, और ये वाला जो ऑप्शन है, बहुत लोग ऐसे ऐसे करके अपने फ्लूट बजाना चाहते हैं, तो इसको थोड़ा ऊपर की तरफ रखिए, कम्फर्ट जोन में आइए आके, ठीक है। तो फूक दीजिए, देखिए पहला शब्द आएगा, फिर बाकी का हिस्सा जो है आपको प्रैक्टिस करना होगा, यानी कि आप एक के बाद एक उंगली उठाते चले, ठीक है, जैसे कि देखिए अलग अलग साउंड आएगा। तो ये जो अलग अलग साउंड है इसको आपको समझना है, तो इसके लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस ढूंढ के निकाला है। तो देखिए सबसे पहला जो है आप जो साउंड सबसे पहले जो लोग करते हैं, जैसे कि इसको टोटल 15 अलग अलग पार्ट्स में मैंने साउंड्स को डिवाइड किया है, यहाँ पे और भी कुछ हैं साउंड, उनके भी डिवाइडेशन है, पर मेन जो साउंड है यहाँ पे 15 अलग अलग साउंड आप ढूंढ के निकाले, उसको पहचानिए पहले क्लास में, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको करना है, ठीक है, ये एक प्रोसेस है, इससे आप प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे आपको सारे जब साउंड ठीक से आ जाएंगे तो आप उसमें कौन सा सा है, रा, रे है, गा है, मा है, पा है, धा है, नी है, वो पहचान लेंगे। तो अभी जो है आपको जो करना है, देखिए एक प्रोसेस दिखा रहा हूँ, तो ये भी आपका आ गया है, यानी कि आप साउंड आ गया है। अभी आपको सरगम भी पता चल गया, अगला वीडियो जो हमने डाला था उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। तो अभी जो है इसमें हम एक अलग ही मात्रा जोड़ने जा रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे जो कर सकते हैं वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ये है हाईएस्ट जगह। तो पहले जो सात है, यानी कि 1 to 7, ये है एक पोर्शन, ठीक है, उसके आगे जो है 8 9 10 11 12, ये अलग एक पोर्शन पकड़ लीजिए, और पीछे वाला जो पोर्शन है उसमें 13 14 और 15, ठीक है, ये टोटल तीन पोर्शन, ठीक है, ये तीनों पोर्शन को भाग आप कर लीजिए, मिडिल में 7, इधर में 5 और इधर पे आपका 3, तो हो गया टोटल 15। तो अभी जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 करके, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखिए ये है वो चार्ट, देखिए यहाँ पर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर उसके आगे यहाँ से 13 14 15, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए। तो क्या होता है, देखिए बांसुरी में जो साउंड आते हैं उसको आप क्लासिफाई करेंगे, और उसको अगर अलग करेंगे तो जो साउंड आपको लगेगा, बहुत सारे साउंड आपके पहले पहले टाइम में आएगा, पर उनको आपको पहचानना होगा, उसका नाम देना पड़ेगा, जैसे आपका नाम है, मेरा नाम है, तो इसका भी नाम है। तो देखिए सबसे पहले मैंने सरगम के बारे में सात पूछा, यानी कि सारे गम पादानी सर, ठीक है, यहाँ से सप्तक के बारे में बताया था। तो अभी उसके आगे भी कुछ है, देखिए
जा सकते, ठीक है, और उसके आवश्यकता ये नहीं है क्योंकि वो यूजलेस है। तो देखिए अभी देखिए अभी एसेंडिंग ऑर्डर में पहले जाएंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में फिर आएंगे। तो देखिए ऐसे साउंड को आप पहले अच्छे से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ऐसे बिठा लीजिए, ठीक है। सरगम आपने प्रैक्टिस कर लिया है, सेकंड स्टेज में ये कीजिए और इसके ऊपर जब ये ठीक से आ जाएगा तब आप छोटा छोटा नोट्स प्ले कर सकते हैं, जैसे कि कर सकते हैं। तो अभी मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो ये सोचा कि आप लोग भी ट्राई कर रहे होंगे तो इस वजह से आपको शेयर कर दिया। तो लास्ट कुछ